Hello and welcome to Tech Assistant for Blind. If you are a new viewer and you want to be tech expert, so please keep watching this video and subscribe our channel for latest technology tutorials, because all kinds of technology related solutions are available on this channel. तो दोस्तों आ गए हम अपने वादे के मुताबिक आज एक और वीडियो लेकर, जिसमें हमने आपको बताया था कि वॉइस कमांड के लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। कल आपने हमारे टॉकबैक के वीडियो को देखा, तो आज हम आपको वॉइस कमांड किस तरह से यूज़ करनी है टॉकबैक की सारी कमांड हमने आपको बताई है। टॉकबैक का वॉइस कमांड, हेल्प मेन्यू कैसे खोलना है, वॉइस कमांड यूज़ कैसे करना है, ये सब कुछ हमने आपको डिटेल में बताया। तो जो लोग वॉइस कमांड यूज़ करना पहले ही सीख गए, वो लोग वीडियो को स्किप कर दे, लेकिन जाते समय वीडियो को उन लोगों के पास शेयर करें जो लोग ये चीज़ नहीं जानते, और वीडियो को लाइक करके जाइए। और जो लोग नहीं जानते, चाहते वॉइस कमांड कैसे यूज़ करना है सीखना, तो चैनल पे आगे वीडियो पे आगे बने रहें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पढ़िए। और हाँ, सेकेंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम और व्हाट्सएप की अबाउट पेज में लिंक दे रखी है। मैं हूँ आपका दोस्त जीतूराज, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को, और फिर एक बार वीडियोस को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग वॉइस असिस्टेंट कमांड देखने के लिए। तो हमें जो है स्वाइप डाउन देन राइट करना है, वहीं पर हमें जो है ऑप्शन मिल जाता है, तो हम स्वाइप डाउन देन राइट करेंगे, टॉकबैक मेन्यू, रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम 1 ऑफ 8 एंड लिस्ट 8 आइटम्स, है ना, ये टॉकबैक मेन्यू है। यहां पर हमें वॉइस कमांड का ऑप्शन ढूंढना है, कॉपी लेफ्ट स्पोकन लेफ्ट स्क्रीन सर्च हाइड स्क्रीन वॉइस कमांड्स 6 ऑफ 8 वॉइस कमांड्स, ये वॉइस कमांड ऐसा बोल रहा है। तो इस पे जैसे हम लोग टैप करेंगे तो और कोई भी कमांड दे सकते हैं। अब ये इजी भी हो गया, मतलब थोड़ा सा आपको अगर जेस्चर नहीं सेट किया आपने तो ये आप यहाँ से डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसके लिए जो है कोई जेस्चर रख लेता हूँ। पहले हम लोग टॉकबैक सेटिंग में चलेंगे, टॉकबैक कस्टमाइज मेन्यूज कस्टम कंट्रोल्स साउंड स्पीक कस्टमाइज जेस्चर्स, कस्टमाइज जेस्चर में जाके स्वाइप राइट नेक्स्ट आइटम, कोई एक जेस्चर ले लेते हैं, स्वाइप अप देन लेफ्ट होम वन फिंगर एंगल, स्वाइप अप देन राइट ओपन टॉकबैक, स्वाइप डाउन देन लेफ्ट बैक, swipe down then right open, swipe left then up overview, swipe left then down show editing up, swipe right then up show custom action, swipe right then down notification fingerprint gesture, swipe left then up overview, swipe down then right open up, swipe down then left back, swipe up then right open up back menu, up then right वाला जो gesture है ये extra है, क्योंकि up then right वाला जो gesture है ये talkback menu है इसमें। तो आप लोग भी अप देन राइट वाले जेस्चर पे वॉइस असिस्टेंट में जो है उसको रख सकते हो। मैं इसको रख लेते हैं, स्वाइप अप देन राइट टैप ढूंढते हैं, टच एंड वॉइस असिस्टेंट नेक्स्ट टाइप फोकस सिस्टम होम बैक ओवर नोटिफिकेशन क्विक रीडिंग रीड फ्रॉम रीड फ्रॉम पॉज करंट चेंज मेन्यू चेक प्रीवियस रीडिंग नेक्स्ट रीडिंग नेक्स्ट मूव नेक्स्ट मूव नेक्स्ट टेक्स्ट एडिट स्टार्टर एंड कॉपी कट पेस्ट शो एडिट अदर स्टार्ट वॉइस कमांड स्क्रीन स्टार्ट वॉइस कमांड 36 ऑफ 40 स्टार्ट वॉइस कमांड 36 नंबर का है, तो इस पे आपको टैप कर लेना है। कस्टमाइज जेस्चर्स स्वाइप अप स्वाइप डाउन देन होम होम कर लिया हमने, बेस्ट एंड लॉन्चर ड्रीम 11। अब यहां पर हमें स्वाइप अप देन राइट करना है, तो हमारा वॉइस कमांड स्टार्ट होगा। जब आप पहली बार करोगे तो ये आपसे कुछ परमिशन लेगा, तो उसको जो है आपको नॉट चेक करके ओके कर लेना है सिर्फ। तो वो आपको पूछेगा अलर्ट टॉकबैक रिकॉर्ड ऑडियो, तो आपको अलाउ कर देना है, बस इतना ही है। फिर उसके बाद आपको वॉइस कमांड देनी है। अब हम यहां पर जो है स्वाइप अप देन राइट करेंगे और कमांड देंगे, टॉकबैक सेटिंग कस्टमाइज जेस्चर्स स्वाइप डाउन देन लेफ्ट बैक एंड लिस्ट, है ना, हम डायरेक्टली टॉकबैक सेटिंग में आ गए, बैक बटन टॉकबैक सेटिंग्स कस्टम बैक करेंगे ऐसे, एक्सेसिबिलिटी बैक बेस्ट एंड लॉन्चर ड्रीम 11। अब मुझे नोटिफिकेशन पैनल खोलना है, तो फिर मैं इसको जेस्चर परफॉर्म करूंगा, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन शेड 5.1 KB पर एक्सेसिबल, नोटिफिकेशन जो है ओपन हो गया, बैक बेस्ट एंड लॉन्चर ड्रीम 11। अब देखते हैं कॉपी कह के इसको, कॉपी नॉट एडिटेबल
एडिटेबल कुछ है नहीं यहाँ पर, मतलब कुछ टेक्स्ट यहाँ पर है नहीं एडिट करने के लिए। इसके लिए हम लोग रिसेंट ऐप बोल के देखते हैं। रिसेंट ऐप ओवरव्यू स्प्लिट स्क्रीन है ना, रिसेंट ऐप खुल गया हमारा। बैक बेस्ट एंड लॉन्चर ड्रीम 11 क्विक सेटिंग कैन रिकॉग्नाइज दिस कमांड से हेल्प फॉर द लिस्ट ऑफ ऑल कमांड्स। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आप लोगों को समझ पाए। अब अगर ये आपको ऐसा बोलता है तो इसका मतलब ये है कि आपको हेल्प ऐसी कमांड देनी है, तो आपको पता चलेगा कि हेल्प में कौन कौन सी कमांड आप इसको दे सकते हो। तो हम लोग सारी कमांड देख लेंगे इसकी, हम लोग कमांड देंगे हेल्प। ठीक है, तो हेल्प मेन्यू खुल जाएगा इसका और यहाँ पर आपको सारी कमांड, आप कौन कौन सी कमांड दे सकते हो किस किस चीज के लिए, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हम लोग हेल्प बोलेंगे, आप हेल्प वॉइस कमांड ओवरव्यू नेविगेट अप बटन। अब हमने वॉइस कमांड ओवरव्यू खोल लिया, यहाँ पर जो है हम लोग वॉइस कमांड ओवरव्यू देखेंगे इसका। वॉइस कमांड टू यूज वॉइस कमांड्स स्वाइप राइट देन अप से हेल्पर व्हाट कैन आई से एनी टाइम फॉर दिस लिस्ट ऑफ कमांड्स। देखते हैं आगे। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स से द एग्जैक्ट वर्डिंग लिस्टेड ऑन द फॉलोइंग स्क्रीन्स। रीडिंग चेंज हाउ यू रीड कंटेंट ऑन द करंट स्क्रीन। रीडिंग चेंज हाउ यू रीड कंटेंट ऑन द करंट स्क्रीन। अगर करंट स्क्रीन पे हो आप और कुछ आपको रीडिंग चेंज करना है तो आपको रीडिंग वाली कमांड देनी है। आगे देखते हैं। Find items. Find specific content on the current screen. Find items. Find specific content on the current screen. आप अगर स्क्रीन पे हो अगर आपको कुछ फाइंड करना है तो फाइंड आइटम आपको बोलना है। ठीक है, जो भी फाइंड करना है उसके आगे या बाद में आपको फाइंड आइटम ऐसा बोलना है। आगे देखते हैं। Text editing. Type, select and copy text. Text editing. Text editing. Select and copy text. टेक्स्ट एडिटिंग के समय आप टाइप कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, कॉपी टेक्स्ट कर सकते हो। टेक्स्ट एडिटिंग के समय ये कमांड आप दे सकते हो। ठीक है, टाइप, कॉपी और सिलेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। डिवाइस नेविगेशन गो होम गो बैक शो नोटिफिकेशंस एंड मोर। डिवाइस नेविगेशन गो होम गो बैक शो नेविगेशन और भी है यहाँ पर, मोर में जाके देखेंगे हम। डिवाइस होम बैक होम बैक notifications notification quick settings overview overview see your recent apps see your recent app assistant assistant open google assistant open google assistant। ये सारी कमांड है। ठीक है, ये आपको सिर्फ बोलना है, वॉइस जेस्चर देके ये आपको बोलना है, वो खुल जाएगा। finish button। ठीक है, finish करेंगे। voice command overview device the other commands go to talkback settings hide screen see actions add custom labels and more। Add custom label, hide screen, go to talkback setting तो हम लोगों ने देख लिया, और more भी है, और command क्या क्या देख लेते हैं। Other command, other command, talkback settings, hide screen, hide screen है, hide the display, show your screen, show screen, after hiding your screen, show return screen भी actions, है, actions भी है, show available actions for the current, label submit है, add or edit a custom, stop, stop, stop current voice command, stop current voice command, finish button, ठीक है, finish, तो ये सारी command है, voice command overview, navigate up। अब हम यहाँ पर उसको कमांड करते हैं हाइड स्क्रीन के देखते हैं क्या हमारी स्क्रीन हाइड है शो है। देखते हैं हाइड स्क्रीन कैन रिकॉग्नाइज दिस कमांड शायद हमारी जो स्क्रीन है वो ऑलरेडी हाइड है। शो स्क्रीन कैन रिकॉग्नाइज दिस कमांड से हेल्प फॉर द लिस्ट ऑफ ऑल कमांड्स। ये जो है शायद हमारा माइक्रोफोन ऑलरेडी चल रहा है इसके लिए ये कमांड ले नहीं रहा है, लेकिन ये जो है फाइनली इसकी ऐसी ही कमांड है। आप लोग ये सारी कमांड देकर अपने जो इजी वे में जो है टॉकबैक को यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी बेहतरीन फीचर है। तो आई होप आपको ये फीचर समझ में आ गया होगा। और हाँ, थोड़ा सा मेरा वॉइस का इशू लग रहा होगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी दो दो जगह पे जो है माइक्रोफोन हमारे यूज़ हो रखे हैं इसके लिए। तो मैं मिलता हूँ किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आप लोग वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फ्री स्पेस बैक फ्री स्पेस 300 पॉइंट।